खबर गाजीपुर जनपद से, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद माननीय राहुल गांधी जी द्वारा लोकसभा में अडानी प्रकरण पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिलाए जाने के संबंध में करंडा के खंड विकास अधिकारी को पत्र देने पहुंचे करंडा ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के जितेंद्र कुमार बिंद पहुंचे। उसके बाद जब बीडीओ साहब करंडा ब्लॉक पर न होने पर उन्होंने अखिलेश सिंह नरेगा के लेखा सहायक को निर्देशित किए। उसके बाद अखिलेश सिंह नरेगा के लेखा सहायक को पत्रक दिया गया। इस मौके पर मुसाफिर बिंद प्रदेश सदस्य, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य अक्षय भारत बिंद, उप ब्लॉक अध्यक्ष एवं भीम प्रजापति इत्यादि कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा सा। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करंडा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जी। और हमारे उप ब्लॉक अध्यक्ष अक्षय भारत बिंद जी है। जी। और प्रदेश के सदस्य पीसीसी सदस्य मुसाफिर बिंद जी। किस तरह का कार्यक्रम हमारे ब्लॉक में आप लोगों का चल रहा है? देखिए, ये कार्यक्रम किसी एक ब्लॉक में नहीं चल रहा है, ये कार्यक्रम सोरो ब्लॉक खंडों में चल रहा है। ये कार्यक्रम लोकसभा में उठाए गए हम लोगों के महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा अडानी समूह के ऊपर जो प्रश्न किया गया था और जो प्रश्न पूछे थे कि मॉरीशस से 20,000 करोड़ रुपए अडानी कैसे लाए, फिर इसके बाद में जो एक यहाँ मुद्दा था अडानी के को लेकर कि विदेशों में ले जा कर के जो विदेशी लोगों के द्वारा जो ठेकेदारी दिया गया था वो उन लोगों के बारे में हमारे नेता प्रश्न पूछे थे, और जो हम लोगों के नेता के ऊपर जबरन निरंकुश शासक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके ऊपर उनका लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई और उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं सुनी जाए, और लोगों के बीच में हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा तो किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो उपद्रव किया जाता है ये उपद्रव बंद हो। क्या लग रहा है कि सदस्यता जो है वापस ली हो जाएगी? देखिए, सदस्यता वापस हो या ना हो, लेकिन हम लोगों के नेता जो राहुल गांधी जी का जो मुद्दा चल रहा है वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। हम लोगों की सदस्यता रहे चाहे न रहे, हमारे नेता राहुल गांधी जी बिना सदस्यता के ही मजबूती के साथ लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।